रेस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। तुम्हारा नाम सपना है? जी। तुम उस मुलजिम मोहन को जानती हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन। आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। हाँ, इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते? नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। यह पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह में सपना का ये कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहब, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं इन सवाल से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया, इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा बताइए? मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट? पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो? जवाब दो। नहीं, मैं वहां नहीं था। तुम वहां गए थे अपनी बेटी के साथ, एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहां थे मिस्टर मदनलाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहां देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्नी एक कमरा मा जी, और ऊ दाढ़ी वाला, और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा मा जी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से ऊहा ऊहा से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर खुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर, ये कत्ल सोच समझ कर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया, तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं
मैं खूनी नहीं हूं, मैं सच बताता हूं। मुझे एमपी राजशेखर ने अपनी बेटी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए रुपए दिए थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूं कि एमपी राजशेखर के नाम समन्स जारी करके उन्हें अदालत में बुलाया जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। कल अदालत में हाजिर होने के लिए एमपी राजशेखर के नाम समन जारी किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोर्ट बंद हो चुका है, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो बाहर चलो। अरे ऐसे कैसे बाहर? वो कमीना रवि और मेरी बेटी पद्मा मेरे सीने में सुइयां चुभो रहे थे। कहाँ वो सुअर? कहाँ वो कमीना? अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। चलो निकलो, चलो सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? मुझे माफ कर दीजिए, कोर्ट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीधे सवाल किए, इसलिए मेरी जबान फिसल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोर्ट में जाकर चिल्ला चिल्लाकर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा था झूठ था। चुप! हर कुत्ता अपनी गली में चिल्लाता है। मुझे तुम जैसे कमीनों की गवाही नहीं चाहिए। मैं कटहरे में खड़े होकर खुद गवाही दूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजशेखर, आप मदनलाल नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता। कम से कम आप इस मुलजिम मोहन को तो जानते होंगे। नहीं जानता। तो फिर आप जानते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। जिस रात चंपा का कत्ल हुआ आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे? नहीं गया। उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने वहाँ गए थे? नहीं गया। तो फिर मिस्टर मदन ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इस मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं। याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर। मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है, और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा? कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत गवाइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सके। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहका कर ये साबित करना चाहती है कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है, और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती है, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती है। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। Ha 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 ha!
रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ समझी की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जुओं की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाए, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समझी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो, एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि, हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी है। गणेश ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3,000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागल पने के दौरे उठते थे, इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5-स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला, और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल इतना बोल दे रहे, मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50,00,000 रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50,00,000 रुपया? नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50,00,000 रुपया। अरे काय को चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुड्ढे, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसे अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अखा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा, गलियों में गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर ऑल मर्डर खूनम खून लालम लाल। मैं तैयार हूं, इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाह इसे इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा, वही बोलूंगा। देवी माँ मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी, चिराग तो बुझ गया? घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है, ये तो अच्छा शगुन है। चल वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल। एमपी साहब लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा, मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया, इनके खुद गुल होने का समय आ गया। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना।
बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माय सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े चलो, कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। आए? चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदल कर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं पूरी पार्टी का फैसला है, और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है, और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है, नाम गवा कर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? सिद्धे, काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ला है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले, और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है, देखो घंटी भी बज गई। कौन है? एमपी राजशेखर वर्मा होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात कर रहा है। बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई, आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या भाईजान, भाईजान, भाईजान! बोलो साले जान। भाईजान सब गड़बड़ हो गई, हम लोग एमपी साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे गिद्ध की तरह उठाकर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया, इडियट रास्कल! अरे रे 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 रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना, पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी, गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। मैंने कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे, और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भागो! हेलो हेलो रवि, हेलो हेलो रवि, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा, और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर ऑल मर्डर, खूनम खून लालम लाल, खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इस बार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपन का खसम बन गया है, अपन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो, और ये अपन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े? अरे चल भाग, चले आपके लिए मैं भागता हूँ। साले अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे, डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अखा दुनिया को हिला डाला, साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में नचा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़ कर उसे जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना, मैं उसे कहूंगा वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी, और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे कमीने, Shh.
छोड़ो छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे। मैं रघु ये बयान खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव या धमकी के दे रहा हूँ। मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसका कत्ल मेरी ही वजह से हुआ था। सुमित्रा बेटी, सुमित्रा, सुमित्रा, अरुणी बात हो गई। तुम ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। कहर हो गया बेटी का, सब हो गया। हे भगवान, जल्दी आओ बेटी, जल्दी करो। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? चल करो देखो, जल्दी करो। अदालत में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मोहन को फांसी होने वाली है। यह सब मेरी झूठी गवाही की वजह से ही हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इससे पहले कि मोहन को फांसी हो जाए, मैं खुद आत्महत्या कर रही हूं। क्या नहीं है दीदी, यह हत्या है। कानून की जीत हो रही थी, इसलिए उन जलील लोगों ने सपना को जान से मार डाला और इस कत्ल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी सपना को क्या हुआ? मेरी सपना को क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैं तेरा कातिल हूं बेटी, मैंने उसे मार डाला। तलबीर ने मेरे साथ कैसा इंसाफ किया? जब मैं जिंदगी भर एक बुरा आदमी था तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन जब जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी बेटी मुझसे, बहुत दूर। सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था, आज अपने हाथों को जोड़कर तुझे प्रणाम करता हूं। अपने हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे सुमित्रा। सुमित्रा, देखा, तेरी शराफत, तेरी ईमानदारी और वफादारी ने तुझे क्या तोहफा दिया है। तू अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में विदा करना चाहती थी, ये तो विदा हो गई, मगर डोली में नहीं, अर्थी में, अर्थी में विदा हो गई। रवि, तुमने मुझसे छोटे होते हुए भी जिंदगी की सच्चाई को मुझसे ज्यादा समझ लिया। जिस कानून को मैंने अपना मजाक समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने मेरे बच्चे की जान की कुर्बानी ले ली। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जज के ओहदे से मैंने इस्तीफा दे दिया और आज
उसी कानून की वजह से मैंने अपनी जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोकर मैं बिना औलाद के बनकर रह गई। लेकिन रवि, देर से ही सही, आज मैं समझ गई, इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेंद बनकर उछल रहे हैं, और जब तक ये गेंद राजनीति के जालिमों की कैद से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है दीदी कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद करा के लाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े। वाह, बड़ा तीर मार लिया। अरे उस जानकर सपना को कत्ल करने में मेरा क्या फायदा हुआ? अरे पहले मेरे बेटे रघु को उस हराम को रवि की कैद से छुड़ा कर लाओ। अरे बाबा, आप क्या हाथ छोड़ा के लाएगा? किसको मालूम है आपका बेटा जिंदा भी है या मर के सुर छोड़ा गया। अबे ओ लंगड़े, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रघु बेटी, रघु बेटे, तू ठीक तो है ना? उस रवि के बच्चे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? कुछ नहीं, पहले की तरह सड़ा हुआ है। अरे उसने मेरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया जबरदस्ती कि मैंने कमला का खून किया है। किंगम जी, इस टेप रिकॉर्डर में मेरी आवाज भरी हुई है कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? आग लगा दे इस कैसेट को। यहाँ पर अपुन का हुकूमत चलता है, अपुन का परमिशन के बगैर यहाँ पर हवा भी नहीं खुल सकता। तो तू इधर आए क्या? हाँ, जिन्हें तूने सहारा दिया है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने आया हूं।
गिरफ्तार कर लो सबको। रामखोर, अब मेरे पास वजह भी है और वारंट भी। क्योंकि इन मुल्जिमान के जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत रघु को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। राजशेखर और किंग कांग को सजाए मौत, सेवक राम और मदन लाल को 3-3 साल की सजाए कैद। माँ, सिर्फ 3 साल? अच्छा है, मतलब ठीक, अगले इलेक्शन तक मैं बाहर आ जाऊंगा। और अदालत मोहन को चंपा के कत्ल में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे मुन्ना, आज ऐसा बाजा बजा के बाजाओं का भी बाजा बज जाए। अरे ये कोई बाजा है? बजाना है तो पुलिस बैंड बजाओ, बाजाओं का बाजा। तुम चुप करो जी, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ संभाल के। सिर्फ नाम के।